नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल पे जिसका नाम है स्कूप चॉकलेट। आज हम आपके लेके लिए आए हैं बहुत ही कमाल की वीडियो, जिसमें हम आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे और टेस्ट करके दिखाएंगे कि कैसी है चॉकलेट। इसका रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। ये हमने पहले ही ले लिया है डेयरी मिल्क क्रैकल्स और दूसरा है अमूल मिल्क चॉकलेट, जो कि अमूल की ब्रांड है और ये डेयरी मिल्क की ब्रांड है, कैडबरी डेयरी मिल्क क्रैकल्स। तो इसे बिना देरी करते हुए हम इसे खोल लेते हैं। काफ़ी कड़क हो गई है फ्रेंड्स, फ्रीज़र में से अभी निकाली हुई है। तो चलिए देख लेते हैं अंदर से कैसा निकलता है। ये ऊपर से दोनों तरफ से कट गया है, इसे बीच में से ही निकालना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो काफ़ी अच्छी आती है, मैंने पहले भी खाई हुई है, दूसरी वीडियो भी हमने डाली हुई है फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग रिव्यू टेस्टिंग की। तो आप जाइए उसे देख के इंजॉय करिए और आप भी लाइए ज़िंदगी का असली मज़ा खाने में। और खाने में आज हम आपके लिए लाए हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रैकल्स और अमूल चोको। कंपेरिजन करने वाले हैं फ्रेंड्स, कॉमेंट करके ज़रूर बताना इन दोनों में से आपको कौन सी चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। तो ये क्रैकल्स निकल चुके हैं अंदर से, जो कि बॉल्स है छोटे छोटे। हम इसे भी ट्राई करके देखेंगे कैसी है, देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। मुझे पहले से ही डेयरी मिल्क बहुत ही पसंद है, कैडबरी डेयरी मिल्क ऐसा नहीं है, वो भी मैंने खाई हुई है। लेकिन जो अमूल चोको जैसे ही खुलती है चॉकलेट, तो उसकी स्मेल बहुत दूर तक जाती है फ्रेंड्स, वो एक अच्छी बात है। स्मेल उसकी बहुत ही अच्छी आती है। तो अमूल मिल्क चॉकलेट स्मूथ एंड क्रीमी लिखा हुआ है ऊपर, ये आती है 25 रुपीज़ में, जो कि 25 रुपये की आती है। और क्रैकल्स आती है 45 रुपीज़ में, जो कि 45 रुपये की आती है फ्रेंड्स। तो इसे भी अनबॉक्स करेंगे हम, उसके जैसा नहीं करेंगे। इसमें साइड में से फट जा रहा था, तो देखते हैं अभी इसको साइड में से ऐसे निकाल लेते हैं। पूरा उसमें से पेज नहीं निकला फ्रेंड्स, जो कि 45 रुपीज़ वाली चॉकलेट है उसमें से पेज नहीं निकला। ये 25 रुपीज़ की चॉकलेट है, जो कि 25 रुपये की चॉकलेट है, इसमें से पेज भी निकला है प्लस अंदर जो चॉकलेट के ऊपर लिपटा हुआ आता है पेपर, वो भी निकला है। तो चलिए इसे हम हटा देते हैं, देख लेते हैं अंदर से इसका टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है। और दोनों में से जो भी पसंद हो फ्रेंड्स, उसका कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना फ्रेंड्स। वीडियो को पूरी देखना, कंपेयर करके दिखाने वाले हैं कि कौन सी चॉकलेट अच्छी है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे भी हम, ये काफ़ी स्मूथ है फ्रेंड्स, जो कि दिखने में बहुत ही मतलब गोल्ड टाइप का दिख रहा है, गोल्ड गोल्ड ही है ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा लगा मुझे पर्सनली, जो कि पैकिंग अच्छा है इसका 25 रुपीज़ में, और ये 55 रुपीज़ में भी पैकिंग नहीं आता डेयरी मिल्क का, लेकिन चॉकलेट बहुत ही बढ़िया आती है। इसका स्मेल लाजवाब है फ्रेंड्स, बहुत दूर तक जाता है इसका स्मेल, खोलते ही स्मेल आ जाता है फ्रेंड्स, चॉकलेट खोलते ही स्मेल आ जाता है। तो ये एक पीस उठाएंगे, फ्रीज़र में से अभी निकाला हुआ है जस्ट, इसीलिए टूट ही जा रहा है फ्रेंड्स, बहुत कड़क हो गया है। तो इसके ऊपर अमूल लिखा हुआ है और एक लोगो दोरा हुआ है जो अमूल का है फ्रेंड्स, अमूल लिखा हुआ है पूरे पीस में, एक में अमूल लिखा हुआ है, एक में लोगो दोरा हुआ है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो इसमें से दोस्तों कंपेयर करके जो चॉकलेट निकल के आए वो डेयरी मिल्क की अच्छा है। तो लाइए खाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली।